कल मैं हूं आपके साथ इंशान नेशनल टू 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में सपा कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, मृतक छात्रा को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। फिरोजाबाद के जैन मंदिर चौराहे पर कैंडल मार्च निकालकर मृतक छात्रा को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बताया छात्रा की मृत्यु का कारण पेपर लीक होना था। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जगमोहन यादव का कहना था कि छात्र कड़ी मेहनत से एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसके बाद पेपर लीक होने से उनका मनोबल टूट जाता है, जिसके चलते ऐसे ही छात्र आगे चलकर ऐसे कदम उठाते हैं। छात्रा ने अपनी जीवन लीला को समाप्त किया है। छात्रा फिरोजाबाद के SRK कॉलेज की होनहार शिक्षित छात्रा थी। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को छात्र छात्राओं को झूठे आश्वासन नहीं देना चाहिए। साथ ही उनका ये भी कहना था कि छात्र केवल नौकरी के लिए ही नहीं बने हैं, वह आगे पढ़ लिख कर बिजनेसमैन बने और नौकरी देने का भी कार्य करें, इस प्रकार अपने मनोबल को न गिराएं। रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश में भर्तियां दिन प्रतिदिन आज जिस तरीके से फिरोजाबाद में घटना घटी, एक स्टूडेंट ने अपने जीवन को समाप्त कर लिया सरकार की नाकामी की वजह से। पेपर लीक हुआ, पेपर रद्द हुआ, जिन लोगों को उम्मीद थी कि भविष्य में नौकरियां मिलेंगी और हम लोगों का भविष्य सुनहरा होगा, लेकिन इस सरकार ने, इसकी नीतियों ने उनके सपने चकनाचूर कर दिए। उसी कड़ी में एक स्टूडेंट ने अपना आत्महत्या करके जीवन समाप्त कर लिया। SRK कॉलेज की स्टूडेंट थी, भविष्य था एक अच्छा, लेकिन सरकार की जो गलत नीतियां हैं, आज हमने कैंडल मार्च के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया सरकार के विरोध में। साथ ही साथ उस बेटी को या अन्य सभी छात्र छात्राओं को जो सरकार के नीतियों की वजह से अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, उन सभी के लिए भावी श्रद्धांजलि मोहम्मद की लगा के दी आए शहर के प्रमुख चौराहे स्वास्थ्य राय पर। और हम सभी छात्रों से कहना चाहते हैं, नौकरी कोई जीवन नहीं होता, जीवन आपका बड़ा होता है। अगर आप चाहें तो नौकरी से भी उठकर पढ़ लिख कर आप बिजनेस में, व्यापार में भी अपना जीवन लगा सकते हैं, जिससे आप नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं। हम चाहते हैं स्टूडेंट सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बना है, स्टूडेंट का जीवन बहुत होता है। जब वो पढ़ लिख के एक अच्छी पोस्ट पर चला जाता है या पढ़ लिख के समाज के बीच में जाता है तो समाज को उससे मदद मिलती है। आज जो घटना फिरोजाबाद में घटी, बेटी ने अपनी आत्महत्या की, उसी संबंध में हम लोगों ने आज मोमबत्ती जला के कैंडल मार्च निकाल के 2 मिनट मौन धारण करके मोमबत्ती कैंडल मार्च निकाला।